देखो भैया, राजा तब तक ही सर्वाइव कर पाएगा जब तक उसके पास पैसा है, राजस्व अच्छा खासा आ रहा है, कलेक्शन अच्छा खासा आ रहा है। जिस दिन राजा की इकोनॉमी खराब, हमारे प्रश्न पत्र देखिए 6 में, ये पूरा 5वें प्रश्न पत्र का था, 5th पेपर का था। अब 6वें पेपर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 6वें पेपर में दिया है उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य। देखो भैया, राजा तब तक ही सरवाइव कर पाएगा जब तक उसके पास पैसा है, राजस्व अच्छा खासा आ रहा है, कलेक्शन अच्छा खासा आ रहा है। जिस दिन राजा की इकोनॉमी खराब, राजा धराशायी हो जाएगा, राजा का राजपाट चला जाएगा। कोई भी राजा तब तक ही शासन करेगा जब तक उसकी इकोनॉमी मजबूत रहेगी, चाहे वो किसी को भी देख लो। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, क्योंकि इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधन जो हमारे उत्तर प्रदेश में, उनका क्या महत्व है, इन चीजों के बारे में भी हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं तराई बेल्ट है, कहीं पहाड़ी है, कहीं पर बंजर भूमि है, कहीं पर रोजगार ही नहीं है, सारी चीजों को लेकर हमको चलना है। तो ये सब सिलेबस में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का व्यापार, व्यापार ट्रेड, क्योंकि व्यापार तो करना ही है, इंडिया और पाकिस्तान में कितना भी झगड़ा हो लेकिन व्यापार थोड़े रुकेगा, व्यापार तो हम करेंगे और व्यापार तो करना भी चाहिए। आज देखिए, हम हो चाहे पाकिस्तान हो, हथियार देने वाले लोग वही हैं जो अपने आप को विकसित कहते हैं, लड़ाते भी वही हैं, हथियार भी वही बेचते हैं, लेकिन हमारा पैसा जाता है, पाकिस्तान का पैसा जाता है। और जो लोग के पास, जो हथियार बेचने वाले, जो अपने आप को विकसित समझते हैं, उन पैसों से क्या कर रहे हैं, वो अपने क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं, अपने देश को विकसित कर रहे हैं। तो लड़ाई झगड़ा कोई सलूशन नहीं है, हम प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। ठीक है, तो खैर, हम केंद्र के हिसाब से नहीं, हम राज्य के हिसाब से भी सोचेंगे, हम सभी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ रहेंगे, ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, और ये हमारा अधिकार है व्यापार करना। कन्नौज का इत्र तो पूरी दुनिया में फेमस है, कन्नौज आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो कन्नौज महोदया, महोदया श्री कन्नौज, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उत्तर प्रदेश में कहीं आंवला उत्पाद है, कहीं मुंज उत्पाद है, चाहे उत्तर प्रदेश का अमरुद, इलाहाबाद का अमरुद काफी फेमस है, अब चूंकि प्रयागराज बोला जाए उसे, या उत्तर प्रदेश की रेवड़ी, लखनऊ की रेवड़ी, उत्तर प्रदेश का पेठा, आगरा का पेठा, ये सब हमारे सिलेबस में, मतलब हमको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश के हिसाब से ट्रेड करना, व्यापार करना, लोग जाने उसके बारे में। इसीलिए सरकार ने सिलेबस में दिया हुआ है कि आप सिलेबस में जानिए कि उत्तर प्रदेश में क्या चीजें हैं जो आम जनता को जानना चाहिए, और लोग जानेंगे तो ट्रेड होगा, व्यापार होगा, लोग उसका प्रोडक्शन होगा, बिकेगा सामान, पैसा आएगा, राज्य वृद्धि करेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार क्रिएट होगा। तो इन सारी चीजें आपके सिलेबस में दी हुई हैं, वाणिज्य उद्योग दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर जो योजनाएं हैं, आम जनता के लिए जो योजनाएं सरकार ला रही है, वो वेलफेयर की जो योजनाएं हैं, क्या वो सही से क्रियान्वित हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन कौन सी वो योजनाएं हैं, उसमें केंद्र और राज्य के क्या संबंध है, इन सभी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन और कौशल स्किल्ड के बारे में बात किया जा रहा है, और उसके विकास, उसके डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ये भी आपके सिलेबस में, आपके 6th पेपर में दिया हुआ है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे और प्रभाव, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इन्वेस्टमेंट, कोई भी राज्य चाहता है इन्वेस्टमेंट हो, राज्य में इन्वेस्टमेंट होगा तो रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश और तरक्की करेगा। हर राज्य चाहता है, हर राज्य कोशिश करता है, इसीलिए लैंड एंड ऑर्डर जहां मजबूत रहता है, जहां पर व्यापारियों को, दुकानदारों को, या कोई भी बिजनेसमैन वहीं पर अपना प्रोजेक्ट लगाएगा जहां पर उसे सुरक्षा मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, कोई बाहरी अराजकता तो उस पर अटैक नहीं करेगा, कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी, सरकार उसका साथ हमेशा देंगी, कागजी कार्रवाई इतना सरल हो ताकि वो उनको व्यापार करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए जो है, देखिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है, निवेश इन्वेस्टमेंट के क्या मुद्दे हैं, उसका क्या इफेक्ट है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की लोक वित्त और राजकोषीय नीति कैसी होनी चाहिए, हमारी हमारी कर या आर्थिक सुधार कैसी होनी चाहिए, और एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट पॉलिसी के बारे में भी जो है, जो सरकार, जो मैंने शुरुआत में ही कहा, 75 जिले हैं, 75 जिलों में अपना अपना इंपॉर्टेंट है, जैसे गोरखपुर का टेराकोटा काफी फेमस है, कहीं का मुंज उत्पाद फेमस है, कहीं का सजावटी सामान फेमस है, कहीं पर लकड़ी के खिलौने फेमस है, कहीं की नक्काशी फेमस है, उन सभी के बारे में जो है, हर जिले का, हर उत्पादों के बारे में जो है, हमको पूरा डिटेल में हमको इसको पढ़ना है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में नवनीकरण ऊर्जा के बारे में हमको बात की जा रही है और गैर नवनीकरण ऊर्जा संसाधनों की योजनाएं और उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए इसके बारे में भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आजकल देख रहे हैं सरकार कर रही है ना, सोलर लगाइए, रूफटॉप योजना चल रही है, आप लगाइए, केंद्र भी पैसा देगा, राज्य भी पैसा देगा, सब्सिडी आपके खाते में जाएगा। तो सरकार उस पर भी चुकी वो योजनाएं उत्तर प्रदेश में किस तरह से काम कर रही है, कैसे उन चीजों पर हम लोग काम किया जाए, चाहे वो हमारे नवनिकट ऊर्जा की बात की जाए, चाहे हमारे गैर नवनिकट ऊर्जा की बात की जाए, संसाधनों की योजना है और उसका कैसे मैनेजमेंट हो, यह भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जनांकी के बारे में हमको पढ़ना है और आप पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन तो आपके पीटी में भी है, जनसंख्या और नगरीकरण जिसे कहते हैं, भाई एक जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में कौन बड़ा है, क्षेत्रफल में कौन कम है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, ये सारी चीजें हम लोग को उत्तर प्रदेश के हिसाब से पढ़ना है। आप देखेंगे पीटी में भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछता है। इसके साथ साथ जनसंख्या पॉपुलेशन और जनगणना के बारे में, चूंकि 2011 की जनगणना को लेकर हम लोग चलेंगे, 21 में हो नहीं पाया, कोविड का दौर था, अब आगे देखते हैं जनगणना होगी, 10 साल पर जनगणना होती है। तो ये सारी चीजें जो है आपके, देखिए यहां पर छठवें पेपर में जो है आपके पूछा गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एक एक चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। उत्तर प्रदेश में कृषि एग्रीकल्चर का व्यावसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, सरकार कह रही है किसानों की आय को हम दोगुना करेंगे, कैसे हमारे अन्नदाता की आय को दोगुना किया जाए, कैसा इनोवेशन किया जाए, कैसा उसका व्यवसायीकरण किया जाए ताकि हमारा किसान जो है, हमारा जो किसान भाई है उसकी आय में वृद्धि हो, क्या परंपरागत तरीके से वो काम करेगा तो उसकी आय में वृद्धि होगी, नहीं, उसे साइंटिफिक तरीके से काम करना पड़ेगा, इसका ट्रेनिंग देना, सही तरीके से गाइडेंस करना और योजनाओं को बनाना, किसान क्रेडिट कार्ड से लगाए, फसल बीमा योजना से लगाए, हर योजनाएं जो आम जन तक पहुंचे इसके बारे में भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है और ये भी आपको कृषि फसलों का किस प्रकार उत्पादन हो ये भी सब पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति के बारे में हमको पढ़ना है, भाई पौधे लगाए, पेड़ लगाए, हरियाली लाए, चूंकि आजकल देख रहे हैं शहर शहर होते जा रहा है, गांव गांव होते जा रहा है, लोग गांव से शहर की तरफ पलायित होते जा रहे हैं, शहर में पेड़ों का देख लीजिए किस तरह से कटाव हो रहा है, चीजें हो रही हैं, इन सब चीजों के बारे में हमको नवीन वानिकी नीति में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की कृषि और सामाजिक वानिकी के बारे में भी हमको, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में कृषि की क्या विविधता है, ठीक है, उसके बारे में कृषि की क्या समस्याएं हैं, उनका कैसे समाधान किया जाए, भाई कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं फसल जल जा रहा है, किसान परेशान है, पानी नहीं, बारिश नहीं हो रही है, कैसे चीजों को किया जाए ताकि हमारे जो अन्नदाता हैं उनको उनका बेनिफिट मिले, वो परेशान न रहे कि भैया बारिश होगी तभी हमको फसल जो खेत में पानी आएगा, ये सारी चीजें किस तरीके से उनको लाभ दिया जाए, किस प्रकार से उनको सरकारी योजनाओं का फायदा हो इसके बारे में भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास की क्या सूचकांक है, जो भी हमारे क्षेत्र है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, जो विकास की सूचकांक है इसके बारे में हमको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के देखिए भूगोल ज्योग्राफी के बारे में भी हमको पढ़ना है, ज्योग्राफी भी काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना है। ज्योग्राफी में जैसे मान लीजिए भौगोलिक स्थिति कैसी है उत्तर प्रदेश की, उचावच और उसकी संरचना उत्तर प्रदेश की कैसी है, जलवायु क्लाइमेट की बात अगर हम करें, सिंचाई के बारे में, खनिज के बारे में, अपवाह प्रणाली और वनस्पतियों के बारे में, उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफी में जो है ये सारी चीजों को हमको लेकर चलना है, ठीक है। तो कुछ भी बचा नहीं है सिलेबस में, सब कुछ इंक्लूड किया गया आपके पांचवें और छठवें पेपर में, और ये जो बता रहा हूं ये छठवें पेपर का आपको बता रहा हूं, जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ जो हैं, हमारे वन्यजीव अभयारण्य हैं, इन सभी के बारे में भी जो हमको पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में हमको उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ परिवहन तंत्र कैसा हो हमारे उत्तर प्रदेश, सरकार ने कह रहा है ना कि आज एयरपोर्ट बनाओ, जेवर एयरपोर्ट हो या कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, चाहे अयोध्या में एयरपोर्ट हो, सारी चीजों पे परिवहन तंत्र, या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, ताज एक्सप्रेसवे हो, लखनऊ यमुना एक्सप्रेसवे हो, आगरा एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश में वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती जा रही हैं, और जाहिर सी बात है जहां पर एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां लोगों की आय में भी वृद्धि होगी, आवागमन ज्यादा होगा, समय कम लगेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में दी हुई हैं। परिवहन तंत्र के बारे में भी दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास किस प्रकार हो, शक्ति संसाधन और उसको अधोसंरचना, जो औद्योगिक विकास जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है,
कानपुर में गंगा नदी है और सबसे ज्यादा चमड़ा उद्योग भी काम वहीं पे होता है कानपुर में। तो किस प्रकार से औद्योगिक विकास हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मशीनीकरण हो, मशीनें लगे, प्रोजेक्ट लगे, लोगों को रोजगार मिले, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आपके सिलेबस में। उत्तर प्रदेश में देखिए मशीन लगेगा तो प्रदूषण तो होगा ही होगा, दूषित जल नदी में जाएगा ही जाएगा, गंगा एक्शन प्लान इसीलिए है, आपने देखा भी होगा। तो प्रदूषण जो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए, पर्यावरण के जो हमारे एनवायरमेंट के जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, पॉल्यूशन कंट्रोल और पॉल्यूशन कंट्रोल परिषद काउंसिल और इसके कैसे कार्य किए जाएं, इनके बारे में भी हमको अच्छे से सिलेबस में आपके दिया हुआ है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है, प्राकृतिक जो हमें प्रकृति ने दिया है उसके बारे में जानना है, जैसे मृदा, कहीं पर जलोढ़ मृदा है, कहीं पर काली मृदा है, हर जगह की अलग अलग अपनी एक मृदा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कहीं पर बंजर भूमि है, हर चीज है, वायु है, वन है, घास के मैदान है, आर्द्र भूमियां हैं, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है उत्तर प्रदेश के हिसाब से। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट जो हो रहा है चेंजिंग, उसके बारे में, चूंकि कृषि क्या है, मौसम का जुआ है, कभी ओलावृष्टि हो जा रही है, कभी फसल बर्बाद हो जा रहा है, कभी बारिश ही नहीं हो रही है, सूखा हो जा रहा है, तो ये सारी चीजें मौसम पूर्वानुमान मानन से संबंधित जो मुद्दे हैं, इन सभी चीजों के बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास पर्ष की तंत्र संरचना कार्य और समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियों के बारे में जो है, ये इकोसिस्टम के बारे में, चूंकि इन्वायरमेंट का भी पार्ट है तो इकोसिस्टम के बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीक यानी कि साइंस की बात की जा रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। कोई भी देश, कोई भी राज्य तभी तरक्की करेगा जब इनोवेशन के बारे में सोचेगा। परंपरागत तरीके से कब तक चलेंगे, इनोवेशन का जमाना है, आज कोई कल्पना कर सकता है कि ऑनलाइन का भी जमाना होगा, लेकिन ऑनलाइन आजकल चल रहे हैं चीजें। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए, उसके मुद्दे, प्रसार किस प्रकार हो, एक्सप्लोर कैसे चीजें को की जाए, इसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन हो, अंगूर की खेती हो, रेशम पालन हो, फूल हो, बागवानी हो, पौधों का उत्पादन हो, या उत्तर प्रदेश के विकास में इनका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। अंगूर हो चाहे अमरूद हो, इलाहाबाद का अमरूद तो पूरी दुनिया में फेमस है, इलाहाबादी अमरूद सभी जानते हैं, ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं जो है निजी भागीदारी के बारे में, इनके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना है, किस प्रकार से क्रियान्वित की जाए ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो है अच्छे से वो काम कर सके। तो ये सारी चीजें जो है आपके छठवें पेपर के सिलेबस में दिया हुआ है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पांचवें पेपर के सिलेबस को देखो, छठवें पेपर के सिलेबस में देखो, एक चीज तो आप क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। आपकी इकोनॉमी, आपकी ज्योग्राफी, आपका एनवायरनमेंट उत्तर प्रदेश के हिसाब से, आपकी चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, हर चीजें उत्तर प्रदेश के हिसाब से आपको जानना है। तो मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं, और यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, जो उत्तर प्रदेश का खूबसूरत स्लोगन है, तो उस पे हम लोग अमल करेंगे और हम अपने पांचवें छठवें पेपर को जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। हम पीटी कम मेंस बात करेंगे, क्योंकि पीटी भी हमारा नजदीक है, मेंस भी हम लोग सभी को देना है, सीटें बढ़ती जा रही हैं लगातार, जब तक आपका पीटी नहीं होगा सीटें रोज पर रोज बढ़ती जा रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज का जो सेशन होगा काफी अच्छा लगा होगा। पहले एक बार सिलेबस को देखिए, क्योंकि सिलेबस नहीं जानेंगे तो फिर आप समस्याएं आपके साथ खड़ी होंगी। सिलेबस को देखिए कि हमको शुरुआत करनी क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से हम आने वाले समय में टॉपिक पे बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को चीजें अच्छी लगी होंगी। तो फिर आशा करता हूं कल हमारी मुलाकात आप लोगों से बहुत जल्दी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।